पूछा गया, पता ये है उसने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का शब खत्र कौन सी तारीख को आएगी, तो आपने कहा 27 दिसंबर, क्योंकि अगर आप गौर करें सूरह खत्र में तो वहां भी इशारा मिलता है कि सूरह खत्र के अंदर आप गौर कीजिए अल्लाह फरमाता है लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र 3 मरतबा। और जो लैलतुल क़द्र के हरूफ है वो 9 है और 9 को 3 से ज़र्ब दे तो 27 होते हैं। उसी तरह आप फरमाते हैं एक और इशारा यूं भी मिलता है कि रब ने 3 मरतबा लैलतुल क़द्र कहा और 1 मरतबा उसकी तरफ इशारा किया और कहा सलामुन हिया कि वो सलामती वाली रात है। और वो जो लफ्ज है ना, वो जो लफ्ज आप शुमार करेंगे लैलतुल क़द्र के सूरे में, सूरे क़द्र में, तो ये 27 का लफ्ज है जहां पर रब ने कहा वो रात, वो रात को इशारा किया तो 27 में लफ्ज में कहा। तो हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं वो कलाम हकीम है, हिकमत से खाली नहीं होता। इससे पहले 2 मरतबा लफ्ज को रिपीट किया और तीसरी मरतबा फरमाया हिया मतलाई फज सलाम, हिया मतलाई फज, कि ये वो सलामती वाली रात है कि कहा जो सलामती कब तक रहेगी, मतलब फज तक रहेगी। तो हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं 27 दिसंबर ये लैलतुल क़द्र है।